हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्रिक्शन फोर्स पढ़ लिया था और आज हम सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल और एक इंस्ट्रूमेंट सेंट्रीफ्यूज, ये आज ये टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि आखिरकार सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, ठीक है जी। चलिए, तो दो फोर्स पढ़ने हमें, एक पढ़ना है सेंट्रीपिटल, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक सेंट्रीफ्रूगल फोर्स, मींस अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्रूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। बच्चों, ये आपके सामने में दो फोर्स आपके सामने यहां पर रख रहा हूं, ठीक है, जिनमें से बच्चों आपको यहां पर टॉपिक को समझते हुए इनके आंसर्स बताने होंगे जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अगर मैं सेंट्रीपिटल की बात करूं और सेंट्रीफ्यूगल की बात करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। बच्चों, सेंट्री, सेंट्री का मतलब तो ये बात पता चल गई है कि सेंटर से रिलेटेड है, और सेंटर जो होता है वो हर एक पाथ का होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलर पाथ के बारे में बात किया जा रहा है। कौन सा पाथ भाई? सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ, इसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स की, अभिकेंद्रीय बल की, तो ध्यान से देखना बच्चों, ये आपके पास रहा सर्कल, सर्कुलर ट्रैक। अब एक बात याद रखना कि जब भी आप लोग किसी सर्कुलर ट्रैक पे भागेंगे ना, तो आप जब भी गिरेंगे तो दो ही जगह पे गिर सकते हैं, या तो अपने ट्रैक से अंदर, या तो अपने ट्रैक से बाहर, या तो अपने ट्रैक से अंदर, या तो अपने ट्रैक के बाहर। गाड़ी जब भी देखना, आप स्पीड में गाड़ी लेके जाओगे और गाड़ी अगर फिसल जाती है तो आप मोस्टली देखेंगे कि गाड़ी तो निकल जाती है ऐसे और बंदा आके गिरता है अंदर की तरफ। ये कई बार आपने देखा होगा, चाहे तो आप किसी मूवी में या किसी बाइक रेस में देख लेना कि जब भी कोई बंदा फिसल जाता है बाइक से और बाइक छूट गई उसके हाथ से, तो बाइक तो सीधी घिसटती हुई निकल जाती है जबकि बंदा अंदर की तरफ आके गिरता है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? चलो ठीक है, बाइक उसने पकड़ा रहा तो भाई उसके साथ सीधे चला गया, लेकिन जब बाइक नहीं पकड़ता तो वो अंदर की तरफ और बाइक बाहर की तरफ, ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो आओ देखते हैं। अगर बच्चों आप एक काम करना, अपने बचपन का खेल याद करना कि भाई कि आपके पास एक पत्थर है, उसको एक रस्सी से बांध दो और ऐसे करके घुमाने लग जाओ, ठीक है जी। आप जब इस तरीके से उसको घुमाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि भाई जिस भी पॉइंट से आप उसको छोड़ोगे, अब वहीं से वो सीधा निकल जाएगा। और अगर आप उसे तेज घुमाते घुमाते बिल्कुल स्लो कर दो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो आपके हाथ की तरफ लपेटा चला आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों एक बात याद रखना कि जब भी किसी सर्कुलर ट्रैक पे कोई घूमता है तो भाई उसके लिए जो फोर्स लगता है, भाई उसके लिए जो फोर्स लगता है सेंट्रिपिटल में, मतलब पहली बात, जब भी कोई घूमेगा उस पॉइंट से ऐसे, उस पॉइंट से सीधा जाने की कोशिश करेगा, हर ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से क्या करेगा, जाने की कोशिश करेगा, ऐसे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, तो सेंटर की तरफ बल लगना शुरू हो जाता है। किसकी तरफ? सेंटर की तरफ बल लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर वो किसी भी प्रकार का स्लिप खाए या गिर जाए तो किधर की तरफ आता है? अंदर की तरफ आता है। किसके? सर्कल के अंदर की तरफ आता है, ठीक। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन, जैसे हाथ से रस्सी को घुमाना, वो पत्थर बांध के घुमाना, और अगर उसको ढीला छोड़ दें तो वो आके हमारे हाथ पे लपट जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लगने वाले को सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो और वो अंदर की तरफ खींचा चला आए, तो वो कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्रुगल कौन सा है? सेंट्रीफ्रुगल कौन सा है कि भाई सर्कुलर पाथ पे फिर से ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है भाई, ठीक है, और उसी पॉइंट से आगे,
उसी पॉइंट से आगे। मतलब क्या हुआ कि भाई हमने वही सेम काम किया, पत्थर घुमाना शुरू किया। अब क्या भाई, अब की बार हमने घुमाते 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 क्या किया, किसी एक पॉइंट पे छोड़ दिया। मान लो इस पॉइंट पे छोड़ा और वहीं से वो क्या चला गया, सीधा चला गया। वो ऐसा कभी नहीं होता कि जिस पॉइंट पे छोड़ा उससे पहले मुड़ के फिर अंदर से ऐसे तिरछा, भाई मैं अपने अगली गली से मुड़ कर आऊंगा, ऐसा कभी नहीं करता। जिस भी पॉइंट पे छोड़ोगे उसी पॉइंट से क्या निकल जाता भाई, वो सीधा निकल जाता है। मीन्स कि सेंटर से उसका जो हिसाब किताब बनता है, अब वो कहाँ बनता है, बाहर की तरफ दूर हटता है। वो सेंटर से क्या हट जाता है, दूर हट जाता है। सेंटर से क्या हट जाता है भाई, दूर हट जाता है, दूर हट जाता है, और उसी पॉइंट से वो सीधा निकल जाता है। तो इसी तरह का, इसी तरीके के फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ के बाहर निकल जाए, और जो अपने सर्कुलर पाथ को छोड़कर अंदर आ जाए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक एक करके सबके एग्जाम्पल्स लिखवाता हूँ, सेंट्रीपिटल के भी और सेंट्रीफ्यूगल के भी। चलिए सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल लिखिए। लिखो, ये रस्सी वाला तो समझ में आ ही गया है कि भाई रस्सी से पत्थर के अंदर की तरफ, तो लिखो, लिख लो कि जब रस्सी में एक पत्थर बांध के घुमाया जाता है, तो पत्थर को, घुमाने पर, पत्थर को घुमाने पर हमेशा अंदर की तरफ बल लगता रहता है। ठीक है, इनसाइड द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, केंद्र की तरफ बल लगता रहता है। टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगता रहता है, फोर्स लगता रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, हाँ भाई, सेंट्रिपिटल का एग्जाम्पल, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स का रिवॉल्व होना। लिख लो, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और वो भी किसकी वजह से, सेंट्रिपिटल की वजह से। अगर जरा सा भी फोर्स ज्यादा होगा सीधा अर्थ जाके सन में टकरा जाएगा। लिखो अगला, लिखो कि जब कोई गाड़ी, कार वगैरह, ठीक है, कार हो गया, बाइक हो गया, रेल हो गई, जब सर्कुलर ट्रैक में मुड़ते हैं, कार या गाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, कार या रेलगाड़ी, ट्रेन, सर्कुलर पाथ पर, वृत्तीय पाथ पर मुड़ते हैं, तो अंदर की तरफ बल लगाते हैं। ठीक है, अगला, कीचड़ में गाड़ी चलाने पर, कीचड़ में गाड़ी लगा चलाने पर कीचड़ के कण ऊपर की तरफ उछलते हैं। कीचड़ के पार्टिकल्स, कीचड़ के कण ऊपर की तरफ उछलते हैं, और उसी से बचने के लिए मड गार्ड लगाया जाता है, और उसी से बचने के लिए मड गार्ड लगाया जाता है। और अगला एग्जाम्पल क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ घूमना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ घूमना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, और भी लिख सकते हो, मौत के कुएं में गाड़ी चलाना। ठीक है, अगर वो जरा सा भी मतलब ढील छोड़ दे सीधा अंदर आके गिरेगा, और ज्यादा तेज कर दे तो बाहर जाके भी गिरेगा। ठीक है, अब केंद्रीय बल का लिख लो, अब इसका लिख लो, अब केंद्रीय बल का, इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मोड़ पर गाड़ी तेजी से घुमाई जाए,
है, इस मोड़ पे एकदम से गाड़ी घूम गई और दरवाजा खुल जाए, और दरवाजा खुल जाए तो व्यक्ति बाहर की तरफ गिरेगा, है ना भाई। एकदम से मान लो गेट खुल गया, दरवाजा खुल गया, तो सीधा क्या होगा, व्यक्ति बाहर की तरफ जाके गिरेगा, व्यक्ति बाहर की तरफ। दूसरा, बड़ा सा झूला होता है ना भाई, मैरी गो राउंड, जो बड़े वाले झूले होते हैं बड़े बड़े, उसे कहते हैं मैरी गो राउंड, ठीक है। ठीक है, अगर कोई बड़े वाले झूले पे मैरी गो राउंड पे बैठ जाए तो आप देखते होंगे झूले को, अगर आपने गौर से देखा होगा तो झूला क्या होता भाई, ऐसे नीचे जाता ऊपर जाता तो बाहर की तरफ, ऐसा लगता झूला बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। तो बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि अपने एक्सिस से बाहर की तरफ निकल जा रहा होता है वो झूला, वो कोशिश करता है झूला कि भाई मैं बाहर निकल जाऊं, ठीक है, तो इसलिए वो उधर की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, मैरी गो राउंड वाला झूला बाहर की तरफ मूव करता है, बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब लिखो एक टॉपिक, लिखो सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, अपकेंद्रित, केंद्रित, लिखो लिखो लिखो, ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हल्के व भारी पार्टिकल्स को, हैवी व लाइट पार्टिकल्स को, हल्के और भारी कणों को, हल्के और भारी कणों को, हैवी एंड लाइट पार्टिकल्स को अलग करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल लिख लो, जैसे क्रीम निकालने की मशीन, क्रीम सेपरेटर, क्रीम निकालने की मशीन, क्रीम सेपरेटर। दूसरा, ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर, ठीक है। अगला, अपकेंद्रीय पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है जी, टॉपिक लिख लो टॉर्क, टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक ये पढ़ लो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं टॉर्क, मतलब फोर्स ऑफ मोमेंटम, या मोमेंट, सॉरी मोमेंटम ऑफ फोर्स, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, मोमेंटम ऑफ फोर्स, और हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक है, मोमेंटम नहीं है, मोमेंट है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, बल आघूर्ण, सॉरी बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, जरा क्या होता है भाई टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, आइए पता करते हैं। चलिए पहले इसका फॉर्मूला जान लीजिए भाई, टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स
इज इक्वल टू फोर्स इंटू में फोर्स आर्म, फोर्स इंटू में फोर्स आर्म। अच्छा अब ना मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखवाया करूंगा, जो जरूरी है वही वही लिखवाऊंगा, बाकी सबके आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में क्लास नोट्स। हाँ जी, हिंदी में बल आघूर्ण बराबर बल गुना में बाहुबल, ठीक है जी। क्या है ये चीज, ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए भाई ये दरवाजा है और यहां से खुलने का इसका हिसाब किताब है, यहां से खुलने का हिसाब किताब है, तो आप क्या देखेंगे कि दरवाजे को आपने यहां से ऐसे मोड़ा और खोल दिया बड़े प्यार से, ठीक है, हल्की सी उंगली लगा के भी खोल दिया आपने। क्यों खोल दिया बच्चों? क्योंकि ये अपने एक्सिस पे आराम से मूव कर जाएगी, अपने एक्सिस पे क्या कर जाएगी, आराम से मूव कर जाएगी। रीजन क्यों भाई? क्योंकि जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क होता है, ठीक है, जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स आर्म के, ठीक है। मतलब क्या कि अगर फोर्स ज्यादा है तो अपने आप टॉर्क भी ज्यादा होगा। मतलब अगर ये आपका फोर्स आर्म है, फोर्स आर्म है यानी कि बाहुबल है, अगर वो ज्यादा है तो अपने आप आपका टॉर्क मतलब बल आघूर्ण भी ज्यादा होगा, फोर्स कम है तो अपने आप टॉर्क भी कम होगा। कैसे, ठीक है, किस प्रकार से? देखो भाई अभी हैंडल यहां पर है तो इसको दरवाजा खोलना बहुत आसान है, लेकिन आप खुद कोशिश करना, आप दरवाजे के बिल्कुल कोने पे कोई हैंडल लगा दो, क्या यहां से इसको खींच के इस दरवाजे को घुमाना क्या आसान होगा? आप खुद ही सोचो, या आप अपने घर पे अभी ट्राई करके देखो कि भाई एक बार हैंडल को यहां से पकड़ के दरवाजा खोलना, ठीक है, और एक बार यहां से पकड़ के देखना, आप खुद देखेंगे कि जब आपका फोर्स आर्म यानी बाहुबल कम हो गया, फोर्स आर्म कम हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, जब फोर्स आर्म कम हो गया तो अपने आप आपका टॉर्क भी बहुत कम लग रहा है, मतलब बल आघूर्ण मतलब ये घूम भी कम रहा है, लेकिन जब आप यहां से घुमा रहे हैं तो हल्का सा भी फोर्स लगा रहे हैं तो बड़े आराम से टॉर्क लग रहा है। मतलब क्या, अगर हल्का सा यानी फोर्स ज्यादा लगा देंगे तो टॉर्क बहुत तेज लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई अगर फोर्स आप थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तो अपने आप टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अपने आप टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये है भाई, यानी हमारा फोर्स आर्म जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा दूर लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स आर्म दूर लगाएंगे किससे, हिंज से, हिंज बोले तो भाई कब्जा, ठीक है, ये फोर्स आर्म है, चाहे तो आप इसे एफ ए कर लो, एफ ए कर लो फोर्स आर्म, ठीक है, यानी आप कब्जे से जितनी ज्यादा दूर हैंडल लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस ज्यादा यानी फोर्स आर्म ज्यादा तो टॉर्क भी ज्यादा, फोर्स आर्म कम तो टॉर्क भी कम। अब एक बार आप ना कोशिश करना, आप प्रैक्टिकल करना अपने घर में खुद, क्या एक बार अपने यहां के हैंडल को पकड़ के दरवाजा खोलना, देखना बड़े प्यार से खुल जाएगा। फिर एक बार आप बीच में से कोशिश करना दरवाजे को खोलने की, तब भी आप थोड़ी सी जान लगाओगे लेकिन खुल जाएगा। अब एकदम लास्ट से पकड़ के खोलने की कोशिश करना, कहां से, बिल्कुल लास्ट से पकड़ के दरवाजा खोलने की कोशिश करना, देखना खुल तो जाएगा शायद, लेकिन बहुत मुश्किल से खुलेगा, बहुत ही मुश्किल से खुलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे फोर्स आर्म क्या है, कम। जब फोर्स आर्म कम है तो अपने आप टॉर्क भी क्या हो जाएगा, कम, और जब टॉर्क ही कम होगा तो बल आघूर्ण मतलब वो अपने एक्सिस पे घूमेगा ही नहीं, अपने एक्सिस पे घूमेगा ही नहीं। जब वो अपने एक्सिस पे घूमेगा ही नहीं, अपने एक्सिस पे घूमेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि जरूर वहां पे फोर्स आर्म कम है। तो यही बात है बच्चों कि जब दरवाजा बनाया जाता है तो उसका फोर्स आर्म उसके हिंज से दूर बनाया जाता है, कब्जे से दूर बनाया जाता है, ताकि हल्का सा फोर्स भी लगाएं तो दरवाजे पे टॉर्क प्रॉपर पड़ जाए। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत किसी को? इसी प्रकार से होता है भाई चक्की पीसने की मशीन, देखना अगर आप चक्की, जो चक्की होते गांव में इस तरीके से घुमा घुमा के गेहूं पीसते हैं, अगर यहां से खींचने की कोशिश करोगे ना तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जब वो चक्की यहां पर आ जाएगी तो बड़े प्यार से मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जब आप यहां से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि फोर्स आर्म क्या हो रहा है, ज्यादा, तो टॉर्क अपने आप ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब आप या अपने नजदीक से उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो फोर्स आर्म कम है तो टॉर्क भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यही सारी चीजें बच्चों टॉर्क कहलाती हैं, जैसे दरवाजे का भाई क्या करना, मूव करना,
पहले लिख लो जो दरवाजे का मूव करना, दरवाजे का मूव करना जिसमें जिसमें हैंडल को कब्जे से दूर लगाते हैं, जिसमें हैंडल को कब्जे से दूर लगाते हैं, ठीक है, या हिंज से दूर लगाते हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे, घरों में गेहूं पीसने वाला क्या भाई? चक्की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूरन, क्यूरन, ठीक है, चक्की पीसने की। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल भी क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है एग्जाम्पल, हैंडपंप, क्या हो सकता है, हैंडपंप। अब देखो हैंडपंप को दूर से चलाते हो तो बड़े प्यार से चल जाता है, लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई ये हैंडपंप का हैंडल है, ठीक है, इस तरीके से हैंडपंप का, ये हैंडपंप का ये हैंडल है, अगर आप यहां से पकड़ के इसको पुश करेंगे ना, तो देखिए यहीं से मूव हो रहा है वो, और यहां से ये क्या हो गया, इसका फोर्स हम ज्यादा हो गया, फोर्स हम ज्यादा हो गया तो टॉर्क भी अपने आप क्या होगा, आराम से ज्यादा आप आराम से मूव कर पाओगे, लेकिन मैं कहूं कि अब यहां से पकड़ के इसको चलाओ तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स हम कम हो गया तो टॉर्क भी क्या हो गया, कम हो गया, तो इसलिए जब भी हमें किसी को अपने उस एक्सिस पे मूव कराना होता है, टॉर्क कराना होता है, बला घूर्ण कराना होता है, तो जितना ज्यादा फोर्स आर्म होगा, जितना ज्यादा बाहुबल होगा उतना ज्यादा बल आघूर्ण होगा, और जितना कम बाहुबल होगा उतना कम बल आघूर्ण होगा, ठीक है। तो इसके बच्चों मैंने आपको तीन एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसका कपल फोर्स पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे इसको सीमित करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका कपल फोर्स करा के खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और काफी अच्छे टॉपिक होंगे, ठीक, और इसके जितने भी आप रिटर्न नोट्स हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाया करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।